शैतान का शेर आ रहा है। दोस्तों, गदर 2 बॉलीवुड की आने वाली एक धमाकेदार फिल्म है। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक काफी उत्सुक हैं। पूरे 21 साल बाद अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार बड़े पर्दे पर फिर से नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा हैं। गदर 2 साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल। हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, साल 2001 में आई फिल्म गदर की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित थी, लेकिन आने वाली फिल्म गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म के हीरो सनी देओल तारा सिंह और हीरोइन अमीषा पटेल सकीना के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे और फिर से पाकिस्तान में भारत का झंडा बुलंद करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अभी इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह फिल्म 2023 में 15 अगस्त के दिन रिलीज हो सकती है। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। दोस्तों, इसमें सनी पाजी एक जबरदस्त एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में गदर एक प्रेम कथा 2001 की वही अभिनेत्री अमीषा पटेल भी नजर आने वाली हैं। दोस्तों, सनी देओल एक ऐसे बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनको प्रशंसक बहुत पसंद करते हैं। साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा को लोगों ने बहुत पसंद किया था। उस फिल्म को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। यही चाहता था ना तू? देख मैं बन गया है वो। गदर 2 मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर शूटिंग पूरी होने के बाद जल्द ही रिलीज किया जाएगा और लगभग इस फिल्म के शूटिंग का काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि गदर 2 मूवी की शूटिंग का काम जोरों से चल रहा है।